दोस्तों, मैं बंटी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल BNT यूनिट के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को उस वीडियोस के ऊपर कुछ इशू होते हैं या उस वो वीडियो से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है या उनके पास कुछ नई सी प्रॉब्लम होती है, वो तो कमेंट बॉक्स में अपने किसी तरीके से अपना प्रॉब्लम लिख देते हैं। तो आज उन्हीं की रिप्लाई के लिए हमने ये एपिसोड स्टार्ट किया है, Q&A का फर्स्ट एपिसोड। तो हम इसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे, कमेंट रैंडमली हम कमेंट पिक करेंगे और उसमें हम आपका आंसर देंगे। तो आपका भी अगर कोई सवाल होता है तो आप मेरे किसी भी वीडियोज़ के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं किस किस का क्या क्या कमेंट आएगा, कितना लोगों का प्यार मिला है, कितना सपोर्ट मिला है, सभी कुछ। तो देखते हैं किसने क्या सवाल पूछा है। तो सबसे पहले सवाल पूछती है एक प्रतिमा सिंह ने। प्रतिमा सिंह ने सवाल पूछा है, BNT यूनिक इज़ GB व्हाट्सएप वर्ज़न 7.99 में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ ये बताओ कि बिना अपडेट किए वर्ज़न 7.00 कैसे इंस्टॉल करें। तो मैं आपको ये बता दूं, इसको इंस्टॉल करना मुश्किल होगा क्योंकि वो एक ओल्ड वर्जन था, 7.00 वर्ज़न अपग्रेड होगा तो वो अभी 7.99 चल रहा है। तो उसके बाद में जब वो अपग्रेड होकर 8.1 या 8.00 या उससे अपर वर्जन कोई आएगा, तो इसीलिए आप उसका ओल्ड वर्जन डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि जब कंपनी लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर देती है या जब निकाल देती है तो जो ओल्ड वर्जन होता है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है। तो आपको यही वर्जन प्रेजेंट टाइम तो यूज़ करना होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट कमेंट भी इन्हीं का है, प्रतिमा सिंह जी का, कि इस ऐप में जब हम चैट हाइड करते हैं उसकी सिक्वेंसी चेंज हो जाती हैं और जो न्यू चैट आ रहा है वो लास्ट में चला जा रहा है, अब प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आपको मैं ये बता दूं, अभी इसमें ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि व्हाट्सएप ने GB व्हाट्सएप को बैन करवा दिया था इंडिया के अंदर और GB व्हाट्सएप बंद हो गया था। तो उन्होंने वापस से FM व्हाट्सएप करके एक मॉडिफाइड ऐप निकाला है, उस ऐप में काफ़ी सारी कमियाँ हैं जो नेक्स्ट अपडेट में क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर आप चाहते हैं ओल्ड वर्जन यूज़ करना तो आप ओल्ड वर्जन नहीं यूज़ कर सकते, और अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप अच्छे से यूज़ करें तो आप उसका ऑफिशियल वर्जन यूज़ कीजिए, नहीं तो फिर इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट अपडेट का। नेक्स्ट अपडेट में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में मॉडिफाइड किया हुआ ऐप है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट में कैलाश पवार जी लिखते हैं, भाई रुपये डेबिट कार्ड प्ले स्टोर पेमेंट कैसे करें, रुपये डेबिट कार्ड नंबर गलत बता रहा है, क्या करूं प्लीज़। तो रुपए का आपका जो कार्ड है उसमें डेबिट कार्ड नंबर अगर ऑनलाइन में गलत बता रहे हैं तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। बाकी आपको यूट्यूब फेसबुक या यहाँ से कहीं से आपको कोई भी मतलब हेल्प नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका डेबिट कार्ड नंबर ही गलत बता रहा है तो ये बैंक सर्वर या बैंक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप जाइए, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट कमेंट उठाते हैं, नेक्स्ट कमेंट करते हैं आयुष जॉन, ये करते हैं, भैया प्लीज़ ये बताओ कि मुझे मेरा डेबिट कार्ड में तो अली एक्सप्रेस और ओटीपी हैं, अली बाबा में भी ओटीपी आ रहा है, अब क्या करूँ। पता नहीं आपने कैसे कमेंट लिखा है बट फिर भी जो है सही है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपके अली बाबा और जो कौन सा है अलीबाबा और अली एक्सप्रेस के अंदर आपका ओटीपी मांग रहा है तो क्या करूं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका ओटीपी मांग रहा है, पर काफ़ी सारी बैंक जो उनसे अटैचमेंट नहीं है अलीबाबा वगैरह से तो वहाँ पे ओटीपी नहीं मांगता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी की काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने शायद मेरा इस वीडियो देख के वो ओटीपी पासवर्ड वाला वीडियो देख के ही कमेंट किया है, तो आपका ओटीपी आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी किसी अच्छी ब्रांच के अंदर आपने अपना अकाउंट खुला रखा है जो अली एक्सप्रेस और AliExpress से अटैच है और वहाँ से वो OTP आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट वाली बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक को उठाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक MD शाह मीरा ने लिखा, मैं आपको गलत समझा सॉरी। तो इन भाई ने मेरे को गाली वगैरह कुछ किसी कमेंट के ऊपर लिख दी थी, बट जब उन्होंने पूरा वीडियो देखा तो उनको पता चला ये वीडियो गलत नहीं है, तो उन्होंने उस कमेंट को डिलीट करते हुए दूसरा कमेंट वापस किया जिसमें उन्होंने लिखा था मैंने आपको गलत समझा सॉरी। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे व्यूवर्स हैं, किसी चीज़ को सही या गलत समझना बस आपका ओपिनियन होता है, आप जो कमेंट करते हैं वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, दीपू कुमार, हेलो आप कैसे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हो। तो दोस्तों, बस ये आप लोगों का प्यार है, मैं हमेशा ठीक ही रहता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, टैग एंटर लिखते हैं,
एंटरटेनमेंट टेक एंटरटेनमेंट लिखते हैं, ब्रो आई एम जोमेटो डिलीवरी बॉय, ओ टू हिंदी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करेगा लॉस हमारा होगा, हमको ऑर्डर नहीं मिलेगा, घर को कैसे चलाएंगे, प्लीज़ ऐसे मत खेलना। तो आप मेरे जाके जोमेटो वाला वीडियो देखिए, मैंने जोमेटो में जो बंदा गलत है उसी को मैंने गलत बोला है, जो सही है उसी को मैंने सही बोला है। और जहाँ तक बात रही आप लोगों को, तो मैंने आपको बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया है, आप जाके एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और कमेंट करने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेते हैं सोनी जिगर ने। सोनी जिगर ने लिखा कि आप लोगों को इस ऐप की साला क्या लिखा यार, सालाडेरी हो पता नहीं, शायद ये आप ऐप आपको सैलरी दे रहा हो, ऑफिसल को छोड़कर थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करें तो क्या फिर आप ये गारंटी देते हो इसमें बैन नहीं होगा, हमारा डाटा सेफ रहेगा, और कल को अगर हमारी पिक्चर्स हमें कहीं और शो हुई तो फ़ोन हैक हो जाता है, इन सब की गारंटी लो ना आप। इस सब की गारंटी कंपनी भी नहीं लेती है। अब जहां बात आप जो कर रहे हो सिक्योरिटी रीज़न वगैरह को लेके, तो जो ऑफिशियल ऐप है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर है। और दोस्तों बात करते हैं GB व्हाट्सएप या FM व्हाट्सएप, वो सिर्फ आपने अपने फ़न के लिए यूज़ करते कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने काफ़ी सारे उसमें फ़ीचर्स प्रोवाइड करता है, वो फ़ीचर्स को आप यूज़ करते हैं। अब जहाँ तक रही बात डाटा लीक होने की, तो अगर आपके पास अगर आप ऐसा कुछ ज़रूरी काम करते हैं जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, तो वो आप अपने उसी व्हाट्सएप से ओरिजिनल व्हाट्सएप से यूज़ करके ही करें, इस ऑफिशियल व्हाट्सएप को ही यूज़ करें, FM को FM या GB या यो व्हाट्सएप इन व्हाट्सएप को यूज़ मत करें, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, डाटा लीक हो जाएगा। अब हम जैसे लोगों का डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमारी कुछ टेडी मेडी मुँह की फ़ोटोज़ होती है तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं करती है, अगर वो डाटा लीक नहीं भी हो तो मुझे बोल दो, मैं उनको सेंड कर दूंगा कंपनी वालों को। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके किसी क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे बैठ के दूँ, आपका नाम लूँ, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, जब तक जय हिंद, और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।